ब्रेक बिना ब्रेक डाउनलोड टक ऐप। बिहार के मुजफ्फरपुर में बाबा गरीबनाथ मंदिर ने एक ऐसी मिसाल कायम की है जिससे नदियों में बढ़ रहा प्रदूषण कम होगा, साथ ही किसानों को कम कीमत पर खाद मिलेगी। बाबा गरीबनाथ मंदिर में चढ़ाए गए फूल और बिलपत्र से जैविक खाद बनाई जाएगी। मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए जाने वाले फूल और बिलपत्र मंदिर प्रशासन जमीन में गाड़ देता था, इसलिए गरीबनाथ मंदिर न्यास समिति और राजेंद्र कृषि केंद्रीय विश्वविद्यालय ने इससे निपटारे की योजना बनाई। इससे एक तो जल प्रदूषण पर लगाम लगेगी, साथ ही बिहार के किसानों को भी ऐसी खाद मिल रही है जिससे उनकी जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ रही है। गरीबनाथ न्यास समिति के सचिव एनके सिन्हा ने बताया कि नमामि गंगे प्रोग्राम के बाद हमने फूल और बेलपत्र को नदी में डालना बंद कर दिया। एक्चुअली हम लोगों का जो फूल बेलपत्र निकलता था, पहले हम लोग नदी में बहाते थे इसको, लेकिन नमामि गंगे प्रोग्राम के बाद नदी में डालना बंद कर दिया हम लोगों ने। फिर इसको हम लोग ओपन फील्ड में डाल देते थे रोड के किनारे, इससे गंदगी फैलती थी, लोग गलत उसका इस्तेमाल करते थे, जो भक्तों को अच्छा नहीं लगता था। इस बीच राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय से एक प्रस्ताव आया कि अगर आपको फूल बेलपत्र हमें मिले तो हम इसको रिसाइकलिंग करके खाद बना सकते हैं, और इस तरह का कार्यक्रम वो देवघर के साथ भी कर रहे हैं। हमने उसको एक्सेप्ट किया और फिर उनके साथ एक MOU साइन किया मैंने। इस हिसाब से पहले तो वो महीने में 8 दिन में ले जाते थे यहाँ से फूल बेलपत्र, अभी वो डेली ले जा रहे हैं अपने ऑटो से, इको फ्रेंडली ऑटो। जैविक खाद की पहल करने वाले राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति रमेश चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि गरीबनाथ मंदिर में जो फूल और बेलपत्र चढ़ते हैं उसकी रिसाइकलिंग करके उसे जैविक खाद बनाया जा रहा है। आज ये बाबा के यहाँ का जो फूल और बेलपत्र जो चढ़ता है उसकी खाद जो हमने वर्मी कंपोस्ट बनाया है उसके आज लोकार्पण का दिवस था। आज उस खाद को हमने बाबा के चरणों में समर्पित किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि बाबा के जो भी भक्त आएंगे वो इसे खाद को ले जाकर अपने यहाँ उपयोग करेंगे। इसके आगे अभी एक और हमारा प्रोग्राम था, अगर सक्सेस हो पाया तो करेंगे कि जो बाबा की खाद के यहाँ क्या जो इसके जो खाद बनी है इस खाद में मिट्टी बना के एक गमले में रख कर उसमें तुलसी का पौधा लगाकर वो हम अपने भक्तों को दें ताकि हर घर में कम से कम एक तुलसी का पौधा नजर आए और वो उसे तुलसी की सेवा करें, जिससे जो कि न केवल हमारे अपने संस्कारों के तहत है बल्कि उससे इन्वायरमेंट को भी बहुत फायदा होगा। गरीबनाथ मंदिर के महंत वैजनाथ पाठक कहते हैं कि हम लोग मंदिर में चढ़ाए गए पूजन सामग्री को कंपोस्ट के लिए पूसा कृषि विश्वविद्यालय को भेज देते हैं। जो बाबा का जो चढ़ा हुआ बेलपत्र फूल था जो 4 नवंबर से यहाँ से जाना शुरू हो गया था, उसका जैविक खाद बना। ये खाद राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा बनाया गया है, और अब से जो बाबा का जो निर्माण जो चढ़ा हुआ होता था केला का थाम बेलपत्र फूल वगैरह वो जो हम लोग एक जमीन में इसी तरह से रख देते थे जो सर के मिट्टी बन जाए, अब उसका खाद बनेगा तो उससे लाभान्वित सारे किसान होंगे और इसकी खाद की गुणवत्ता बहुत अत्यधिक है और ये खेतों में जो अन्य जैविक खाद है उससे ज़्यादा काम करेगा। और एक बहुत बड़ी बात हो ये नमामि गंगे और नदी नालों में नदी में पोखरों में कुओं में जो डाला जाता था फूल और उससे जो खराब होता था उसका जल, वो जल खराब नहीं होगा और इससे खाद बनेगा, और एक बहुत ही अच्छी पहल है। और हमारे लिए तो सबसे बड़ी बात ये होगी जो बाबा का जो निर्माण है ना पैर लगेगा ना किसी के हाथ लगेगा, वो खाद बनेगा और फिर खेत में जाएगा और मिल जाएगा और प्रकृति की एक अनुपम और अनूठी मिसाल कायम होगी। वहीं मंदिर के प्रधान पुजारी विनय पाठक ने बताया कि बाबा पर चढ़ाए गए फूल और बेलपत्र से जैविक खाद बनाने की शुरुआत हो चुकी है और ये पहल बहुत ही सराहनीय है। पूसा से जो है वहाँ से हम लोगों को अच्छी किया गया कि आप लोग जो बेलपत्र फूल फेंकते हैं वो हमको दीजिए, इससे हम खाद बनाएंगे और खाद बना के किसानों में बांटेंगे। तो हमने भी पहल किया उनका, और यहाँ से हर रोज़ टेम्पू में भर के जितना भी बेलपत्र फूल केला का थम होता है वो सब भेजते हैं वहाँ, और वहाँ से खाद बन के आती है और वो जनसाधारण को वितरण होती है। कृषि विभाग में बहुत अच्छा उसका उपयोग है, जैविक खाद उसका नाम है, और यह पहल बहुत ही अच्छा
गरीब स्थान मंदिर से किया गया। और हम आम जनता से भी अपील करते हैं, या तो वो अपना फूल बिलपत्र पूजन सामग्री मंदिर में आकर रख दें या जमीन के अंदर गाड़ दें, जिससे प्रदूषण नहीं फैले। पहले था कि नदी जो था बहुत तेज़ धारा बहती थी, इस वजह से उसमें सब कुछ डाल देता था, लोग निकल जाता था। अब तो प्रदूषण होती है उससे, नदी की धाराएं बहुत कम हो गई है। बाबा गरीबनाथ मंदिर और राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय की इस पहल की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। नमामि गंगे जैसी परियोजनाओं को सार्थक बनाने के लिए ऐसी कई पहल और होनी चाहिए। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण, बिहार तक।